देखिए, योग से उनकी शुरुआत हुई, फिर आयुर्वेद में आ गए, एक तरीके से मेडिकल लाइन है वो भी ना, और उसके बाद सीधे सीधे आपको याद होगा कि जो अन्ना हजारे के आंदोलन में वो राजनीति में कूद गए थे, तो उनका नुस्खा तैयार होता हो रहा है धीरे 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 धीरे। अब या तो नुस्खा तैयार हो जाए तो हम कोई नया नाम उनको दें। जब राजनीति में आए, आपको याद होगा उन्होंने बिल्कुल धरने दिए कि काला धन वापस लाओ, 15 लाख सबके जेब में जाएगा, बिल्कुल मोदी जी की तरह उन्होंने बोला। अरे भाई, जो आपने बोला तो वो आप कहाँ है, वो काला धन स्विस बैंक में तो और पैसा जमा हो गया है। तो हमारे कहने का अर्थ ये है कि उनके व्यक्तित्व का नुस्खा अभी तैयार हो रहा है शायद, और इसी बीच में घपले पर घपले निकल कर आ रहे हैं। तो हम उन्हें कैसे उनकी पहचान को योगी कहें। फिर आपने देखा कि वो जो भ्रष्टाचार वाला जो आंदोलन था, और जिसकी बाद में पोल खुली कि वो बिल्कुल बीजेपी की तरफ से स्पॉन्सर्ड ही था, तो उसमें भी वो कूद गए, और जब आफत आई तो सलवार पहन के निकल भी लिए। तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से क्या है। और आप देखिए, दवाइयों में जैसे आपने कहा कि भाई चर्चा में है, तो चर्चा में किस लिए है? चर्चा में इसलिए नहीं कि योग में बहुत बड़े हो गए, आयुर्वेद में बहुत ऊंचे निकल गए, या राजनीति में बहुत आगे निकल गए, घपले में काफी आगे निकलते चले जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आरटीवी न्यूज के खास प्रोग्राम चाय पर चर्चा में। और एक बार फिर से हमारे साथ हैं देश के जाने माने रंगकर्मी, फिल्म डायरेक्टर और एक्टिविस्ट आरएस विकल साहब। बहुत बहुत स्वागत है आरएस विकल साहब। धन्यवाद विकल साहब, आपसे सवाल है। जैसा कि आपने हाल के दिनों में न्यूज में सुना ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आजकल बाबा रामदेव अचानक चर्चा में आ गए, आप उन्हें किस रूप में देखते हैं, एक योगी, एक धार्मिक व्यक्ति या एक व्यवसायिक व्यक्ति के रूप में? भाई बहुत सोचना पड़ रहा है, बहुरूप हैं उनके। देखिए, मान तो यही रहे लोग के वो योगी है, लेकिन योग शब्द का एक अर्थ तो यही है, शारीरिक व्यायाम, और ये भी कि तन से मन का जुड़ाव, और यहाँ तक कि लोग कहते हैं आत्मा से परमात्मा के मिलन का भी एक ये साधन है। खैर, योग का एक शाब्दिक अर्थ है जोड़, जोड़ घटा वाला जोड़, और जोड़ घटा वाले जोड़ का खास तौर से नॉर्थ में एक शब्द है धन, प्लस प्लस को भी धन कहते थे। तो ये योग में बहुत कुछ, योग के बहुत अर्थ है। तो अगर सारे अर्थों का सम्मिश्रण करके, क्योंकि बाबा रामदेव भी तो नुस्खा बनाते हैं, मिला दिया जाए, तो हम आपसे ही पूछते हैं कि अर्थ का अनर्थ होगा या नहीं, आपको क्या लगता है? जी, कहीं ना कहीं आपकी बात सच है कि अर्थ का अनर्थ होगा। जी, जी। लेकिन अब इस युग में अर्थ का अनर्थ नहीं होता, घपला करने से अर्थ और दोगुना चार गुना हो जाता है। तो बाबा रामदेव को इस तरह से अगर एनालाइज करना हो तो मैं तो कहूंगा कि बाबा घपले राम है उनका नाम मेरी दृष्टि में। दुनिया तो आजकल रामदेव से नहीं, बाबा रामदेव से लाला राम कहने लगे, और आप घपलेबाज कहने लगे, एक कदम और आगे। क्योंकि भाई उनकी आप ये देखिए कि व्यवसाय की दृष्टि से उनका टर्नओवर कितना बढ़ रहा है, तो लोग उन्हें लाला रामदेव तो कहेंगे ही कहेंगे। तो मैं तो साथ में ये, क्योंकि अगर आप व्यवसाय बहुत साफ सुथरे ढंग से करते हैं तो आपको व्यवसायिक कहेंगे। और भैया, जैसे एक ठग विद्या भी होती है, घपलेबाजी भी होती है व्यवसाय में, तो लेकिन उसे व्यवसाय नहीं कहा जा सकता। इसलिए मैं लाला रामदेव भी नहीं कहूंगा, मैं तो घपले राम ही कहूंगा। सर, आपको लगता नहीं कि आपने देखा जाए घपलेबाज बोल के या घपलेबाज बाबा बोल के बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं? मैं घपले राम नाम दे रहा हूँ भाई। चलिए, ये आपके विचार हैं। तो विकल साहब, आप उन्हें क्या योग गुरु नहीं मानते, क्योंकि उनकी असली पहचान तो योग गुरु के रूप में ही है? भाई ये उनकी असली पहचान नहीं है, ये उनकी पहली पहचान जरूर है। अब किसी आदमी को किसी
एयरपोर्ट से अगर कहीं यात्रा पर जाना है तो एयरपोर्ट उसकी पहचान कैसे हो जाएगा? टेक ऑफ के बाद जो उड़ान उसने भरनी है वो उसकी पहचान होती है। तो आज उनकी जो पहचान है वो उड़ान से मापी जाएगी। अब उड़ान का कोई रूप नहीं स्पष्ट हो रहा है, अब क्या कहें उस उड़ान और किस रूप में उन्हें माना जाए। इसलिए मैंने कहा ये घपला सा समझ में नहीं आ रहा है तो एक नया नाम दे देते हैं। देखिए योग से उनकी शुरुआत हुई, फिर आयुर्वेद में आ गए, एक तरीके से मेडिकल लाइन है वो भी ना, और उसके बाद सीधे सीधे आपको याद होगा कि जो अन्ना हजारे के आंदोलन में वो राजनीति में कूद गए थे, तो उनका नुस्खा तैयार होता हो रहा है धीरे 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 धीरे। अब या तो नुस्खा तैयार हो जाए तो हम कोई नया नाम उनको दें। जब राजनीति में आए आपको याद होगा उन्होंने बिल्कुल धरने दिए कि काला धन वापस लाओ, 15 लाख सबके जेब में जाएगा, बिल्कुल मोदी जी की तरह उन्होंने बोला। अरे भाई जो आपने बोला तो वो आप कहाँ है वो काला धन, स्विस बैंक में तो और पैसा जमा हो गया है। तो हमारे कहने का अर्थ ये है कि उनके व्यक्तित्व का नुस्खा अभी तैयार हो रहा है शायद, और इसी बीच में घपले पर घपले निकल कर आ रहे हैं। तो हम उन्हें कैसे उनकी पहचान को योगी कहें? फिर आपने देखा कि वो जो भ्रष्टाचार वाला जो आंदोलन था और जिसकी बाद में पोल खुली कि वो बिल्कुल बीजेपी की तरफ से स्पॉन्सर्ड ही था, तो उसमें भी वो कूद गए, और जब आफत आई तो सलवार पहन के निकल भी लिए। तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से क्या है। और आप देखिए दवाइयों में जैसे आपने कहा कि भाई चर्चा में है, तो चर्चा में किस लिए है? चर्चा में इसलिए नहीं कि योग में बहुत बड़े हो गए, आयुर्वेद में बहुत ऊंचे निकल गए, या राजनीति में बहुत आगे निकल गए, घपले में काफी आगे निकलते चले जा रहे हैं। तो इसीलिए अब उनको फटकार भी लगी है। अब जिन दिनों अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था उससे थोड़ा पहले एक समानांतर रूप में प्रोफेसर जगमोहन जी जो कि भगत सिंह के रियल भांजे हैं उनके नेतृत्व में हम भी एक आंदोलन कर रहे थे जिसका नाम था तीसरा स्वाधीनता आंदोलन। रावी नदी के तट पर हमने सब लोगों ने मिलकर शपथ ली थी कि हम इस व्यवस्था के, क्योंकि लिबरलाइजेशन को ला रहे थे, कांग्रेस ला रही थी, उससे लोग त्रस्त हो रहे थे, और GDP के नाम पर एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी ला रहे थे, तो उसके विरोध में एक बड़ा आंदोलन था। उसी समय ये आंदोलन आया, तो हमने पूरी तरह से इनको देखा कि ये कूदे भी और गायब भी हुए, तो पूरा प्रकरण इनका हमारे सामने है। तो कुल मिला के इनकी पहचान का जहां तक सवाल है बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है, और हम तो अभी यही कहेंगे कि फिलहाल घपला ही घपला है। तो विकल साहब, इस घालमेल पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है रामदेव को, तो क्या आपको लगता है कि इस बार सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है रामदेव को किसी अंजाम तक पहुंच पाएगा या बस एक फटकार के तौर पर रह जाएगा? अरे भाई जैसी व्यवस्था चल रही है उसमें इतने आशावादी मत होइए। ऐसी फटकारें कितने लोगों को लगती रही है लेकिन हुआ कुछ नहीं। अरे इस व्यवस्था में बलात्कारी छुटकर आ रहा है, घपले बड़े बड़े घपलेबाज छुटकर आ रहे हैं, जमानत मिल रही है लड़कियों ने, जो पहलवान लड़कियों ने कितने आंदोलन कर लिए, क्या हुआ? कुछ नहीं होने वाला है ऐसी फटकारों से। और वैसे भी बाबा रामदेव ने अपने व्यक्तित्व के नुस्खे में दबंगई की जड़ और बेशर्मी के सत का नुस्खा तैयार कर रखा है, जब चाहे वो रिवॉल्वर भी निकाल देते हैं भाई, तो कुछ होने जाने वाला नहीं है। और वे यहाँ से भी बहुत शातिर है, जब उन्होंने कोरोनिल का उद्घाटन किया दिखाया तो साथ में मिनिस्टर खड़े कर लिए, तो अकेले दोषी नहीं है। अगर फटकार का असर है तो वहां तक जाएगा, और वहां तक जाएगा तो कहीं ना कहीं से घेराबंदी उनकी हो जाएगी। और आपको याद हो एक हमारे यूपी के कवि थे काका हाथरस, तो वो कहा उनकी एक वो कविता थी उसमें था कि कांटे से कांटा निकल जाता है, रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाए तो रिश्वत देके छूट जाता है। तो इसका मतलब आप अर्थ इसका आशय समझिए कि क्या क्या बात है। वही बात है आज की व्यवस्था में कि
कानून अपनी जगह खड़ा होना चाहता है, लेकिन कानून को भी खड़े रहने नहीं दिया जाता। जब उसके भी पैर कमजोर किए जा रहे हैं, और देखिए हमारे ये विधायिका और हमारे मीडिया दोनों खंभे क्षत विक्षत कर दिए गए हैं, तो क्या आशा करते हैं कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है इसके साथ। जब रामदेव जी के ऊपर के बहुत सारे आका घालमेल कर रहे हैं, तो ये घालमेल संस्कृति में रामदेव तो कड़ी है, ये कड़ी है। आप ये देखिए, रामदेव की कोविड की दवाई को आप घालमेल कह रहे हैं। हमारे बेचारे रामदेव के पीछे संटी लेके क्यों ना पीछे भाग रहे हो, जब कोविड की वैक्सीन हिंदुस्तान में बड़े लीगल तरीके से प्रचार करके लाई गई हमारे प्रधान के द्वारा, उस पर भी सवाल उठे कि परीक्षण प्रॉपर नहीं हुआ है, और जो जिसने वो वैक्सीन बनाई थी वो उस डर से भाग गया देश छोड़ के। तो भाई इससे तो अच्छे हमारे रामदेव हैं, उनमें देशभक्ति तो है, वो छोड़ के भाग तो नहीं रहे, अभी जब भागेंगे तो हम मान लेंगे उन्हें, अभी तो वो सिर्फ कठपुतली हैं और अपने घपले से अपने आप को बढ़ाए चले जा रहे हैं। अब वो मोदी जी जिन्होंने कोविड बनाई थी मोदी जी के लिए, वो तो विदेश भाग गया। अरे हमारा रामदेव कम से कम देशभक्त तो है कि वो देश में ही है, या ये भी कह सकते हैं कि भाई उसको बहुत विश्वास है अपने आका पर, वो आका भक्त में तो स्ट्रांग है ना, तो कुछ होने वाला नहीं। अच्छा ये बताइए कि बाबा रामदेव के खिलाफ ये सारी बातें कहीं मेडिकल लॉबी की कोई साजिश तो नहीं? भाई संभावना हो सकती थी, लेकिन अब नहीं है। क्यों? मेडिकल लॉबी ने कोई किडनैप कराया उन्हें, या कोई ऐसा अपरोक्ष रूप से किसी आदमी को भेजकर उन्हें मरवाने की कोशिश की, मारने की साजिश चली? भाई कोर्ट में गए हैं तो कोर्ट को आप साजिश का हिस्सा कैसे बना सकते हैं? उन्होंने कोर्ट में अर्जी दी, कोर्ट में बहस हुई, तब ये परिणाम निकला है कि हाँ ये फर्जीवाड़ा था, घालमेल था, इसमें घपला था, तभी तो उन्होंने फटकार लगाई है। अगर ये उनकी साजिश होती तो कोर्ट मेडिकल एसोसिएशन को फटकार लगाता, रामदेव को नहीं। तो देखिए स्पष्ट है, जब कोर्ट के सामने मामला गया है तो हम नहीं मान सकते कि ये साजिश है, क्योंकि कोर्ट ने हम आम लोगों से ज्यादा अच्छे तरीके से देखा समझा है, वैसे भी हुई होंगी, तब उन्होंने माना है कि हाँ इसमें घपला है। और देखिए आम लोगों में चर्चा और मीडिया में भी सिर्फ इस घोटाले की नहीं है, इस फर्जीवाड़े की नहीं है, एक जमीन के घोटाले की भी चर्चा चल रही है, देखते हैं उसको कोर्ट या समाज किस रूप में लेता है। मतलब बाबा के दवा घोटाले की बात तक तो ठीक थी, अब ये जमीन घोटाला क्या है? हाँ जमीन घोटाला तो चल रहा है बहुत पहले से, जिन दिनों ये धरने पर बैठे थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसी समय कैप्टन अमरेंद्र सिंह पंजाब के उस समय सीएम नहीं थे, वो विपक्ष में थे। अच्छा। उन्होंने ये स्पष्ट किया था कि हिमाचल प्रदेश से सेटिंग करके इन्होंने बहुत कम कीमत में वहां की जमीन को खरीद लिया है कौड़ी के भाव, तो वो भी एक देखा जा सकता है कि तब से लेकर अभी तक उनके कई ऐसे कारनामों की चर्चा चल रही है। अभी एक केस 2022 का उजागर हो रहा है कि दलितों की एक जमीन हरिद्वार के पास जो कभी बेची नहीं जा सकती, अगर दलित उसे बेचेगा तो दलित को ही बेचेगा, तो वो इन्होंने कानून बदलवा कर और वो उसके साथ घपला किया हुआ है। कैप्टन अमरिंदर ने तो उस समय उजागर किया ही था, लेकिन ये 2022 के अगस्त की एक रिपोर्ट के अनुसार दलितों की एक जमीन वो उसके साथ एक घपला हुआ है कि दलितों की जमीन को कोई दलित ही खरीद सकता है दलित से, लेकिन अब कानून बदलवा कर कुछ ऐसा घपला किया गया है कि वो बाबा रामदेव के पास पहुंच गई है। ठीक ऐसा ही एक घपला अभी हाल ही में हो रहा है ये अरावली फॉरेस्ट लैंड का,
60,000 एकड़ जमीन खट्टर सरकार नियम बदलकर और उनको दे रही है। तो देखिए ये क्या है, ये उन्हीं का प्रभाव है या वो लोग दे रहे हैं कि उनके साथ कोई आपसी डील है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े घपले हो रहे हैं और अभी तो जो इलेक्ट्रो बॉन्ड में भी यही इस तरह के घपले की आशंका लोग जता रहे हैं, तो ये कोई बड़ा मामला है। अब देखिए आप तो जानते ही हैं कि ये एक ऐसा सरोवर है जिसमें पापी आता है, नहाता है और वो बड़ा प्रतापी बन जाता है और पाप पुण्य बन जाते हैं। तो कुछ होने वाला नहीं है, सब ठीक ठाक हो जाएगा और शरणागत वो हैं तो उनका कल्याण भी होगा ही है। और बाबा भी बहुत सुलझे हुए हैं, वो जरूर कोई ऐसा नुस्खा बनाएंगे, ये जो पब्लिक का हाजमा खराब हो रहा है वो भी ठीक हो जाए। तो देखिए बाबा रामदेव का कुछ होगा नहीं और बहुत सुलझे हुए आदमी है। रही बात पब्लिक की, तो देखिए वो अपने खरल में कोई ऐसा नुस्खा जरूर कूट पीट रहे होंगे ताकि पब्लिक का जो हाजमा है ऐसा हो जाए कि इसे आसानी से वो लोग पचा सके। तो ये थे देश के जाने माने रंगकर्मी, फिल्म निर्देशक और एक्टिविस्ट आरएस विकल साहब। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को फटकार तो लगाई है, लेकिन हम तो सुप्रीम कोर्ट की जो अंतिम निर्णय है, वर्डिक्ट है, उसका इंतजार करेंगे। देखते हैं कि क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला लेते हैं या सिर्फ एक फटकार तक ही रह जाएगी। प्रोग्राम में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।